Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Divedi aur aaj hum class 7th ke civics ke second chapter role of the government in health ke saath start karenge. To aapko yahan pe ek word likha dikh raha hoga DPSP, theek hai? Ab DPSP kya hota hai? Ho sakta hai aap mujhse aisa puche kyunki it is pretty unusual agar aap log ko DPSP ke bare mein sab pata ho. DPSP होता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? अब ये क्या होता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है. DPSP ये बताता है कि स्टेट को क्या क्या पॉलिसीज बनानी है उस पर्टिकुलर अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए, ठीक है, उसके अच्छे के लिए, उसके भले के लिए. तो ये जो गवर्नमेंट है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे जो आम जनता है, जो हम लोग हैं, जो सिटीजंस हैं, उनका वेलफेयर हो. ऐसे आपने बहुत सी पॉलिसीज सुनी होंगी जो गवर्नमेंट बनाती है. मिड डे मील स्कीम बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, फ्री एजुकेशन पॉलिसीज बहुत जगह चलती हैं. उसके बाद आपका जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए राशन कार्ड्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ऐसे मार्जिनल से भी कम रेट में राशन मिलता है. तो ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट को करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की. वैसे ही गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल हेल्थ सेक्टर में भी है, ठीक है? हेल्थ के टुवर्ड्स भी गवर्नमेंट अपना काफ़ी ज़्यादा जो रोल है वो प्ले करती है. ऐसी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट. स्पेशली हमने कोविड में देखा होगा कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स को ऐसे नॉर्मल ऐसे बैरन लैंड्स पे छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे ऐसे टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसे क्वारंटीन सेंटर्स बना दिया था. वहाँ पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा था. तो ये सारी छोटी छोटी पॉलिसीज आई थी जो गवर्नमेंट ने आम जनता के वेलफेयर के लिए किया था, ठीक है? तो अब वही हम पढ़ेंगे कि रोल क्या है गवर्नमेंट का इन हेल्थ. इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट In a democracy, people expect the government to work for their welfare. ठीक है, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि हम as citizens government से ये उम्मीद रखते हैं कि government हमारे भले के लिए काम करे, चाहे वो हमारा employment हो, चाहे वो हमारी health हो, चाहे वो हमारा education हो, be it anything, we would always expect it from the government कि वो कुछ ऐसी policies लाए जिससे हमारा भला हो. तो ऐसे ही हम अब पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें ऐसा क्या क्या चीज़ें करती है जिससे हमारा भला होता है. उससे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हेल्थ. अब अगर आप बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में जाओ तो हेल्थ वुड बी एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर. बट देन अब हम सिविक्स के नज़रिए से और एक नॉर्मल इंसान के नज़रिए से देखते हैं कि बेसिकली हेल्थ होती क्या है. हम बहुत सारे तरीकों से सोच सकते हैं, बट हेल्थ क्या होती है? हेल्थ हमारी एबिलिटी है कि हम किसी भी तरह के बीमारी से, जिसे हम इलनेस कहते हैं इंग्लिश में, या फिर इंजरीज, चोट से या किसी भी तरह के वुंड से आपका प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है? हमें ये ना हो. अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है और अगर आपको कोई भी इंजरी नहीं है तो आप क्या कहलाते हैं? आप एक हेल्दी पर्सन कहलाएंगे या कहलाएंगे, ठीक है? तो बेसिकली हेल्थ का इतना ही मतलब होगा. हेल्थ मींस आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. बट हेल्थ इजंट अबाउट डिजीज. यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलाज विद हेल्थ. अब जैसे कि ये हो गया, इसमें से बहुत सी ऐसी सिचुएशन, जैसे ये हेल्थ रिलेटेड है. यहाँ पे आप एम्बुलेंस देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप नर्सेस को देख सकते हैं, एंड देन यहाँ पे आप एक ऑपरेशन थिएटर देख रहे हैं. तो ये हेल्थ रिलेटेड आपकी क्या है, ये सारी हेल्थ रिलेटेड पिक्चर्स हैं. बट हेल्थ सिर्फ और सिर्फ डिजीजेस से नहीं है, कि कोई बीमारी से ही सिर्फ हेल्थ नहीं जुड़ा है. व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट टू अचीव ऑफ द अबव सिचुएशंस इन रिलेटेड टू हेल्थ. अपार्ट फ्रॉम डिजीजेस वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. सिर्फ बीमारियाँ ही हमारे हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती हैं, बहुत से ऐसी अलग चीज़ें भी हैं हमारे अगल बगल जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. अब जैसे कि आपको साफ पानी
पानी ना मिले पीने को, तो आपको जॉइंडिस हो सकता है, आपको टाइफॉइड हो सकता है। वैसे ही अगर दिल्ली में स्पेशली जो लोग दिल्ली एनसीआर के एरियाज में रहते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किस तरह से यहाँ पे स्मॉग अफेक्ट करता है। आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय कॉलेज, तो वहाँ पे जब आई यूज्ड टू ट्रैवल इन द मेट्रो और स्टेशन आता था यमुना बैंक, एंड ऐसा लगता था जैसे आप समझ लीजिए कि अक्टूबर के महीने में ऐसा लगता था कि जनवरी वाला कोहरा पड़ रहा है। वो कोहरा नहीं था, वो स्मॉग ही था, और इतनी धुंध कि मतलब विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी। एंड देन इफ यू वुड ब्रीद, तो आपको लिटरली लगता था कि आप धुआं ही, मतलब धुआं ही ऐसे इनटेक कर रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत हो जाती थी। तो ऑब्वियसली उसका हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमारी लंग्स को इफेक्ट करेंगी ही करेंगी, नो मैटर वॉट। तो ये सारी चीजें भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। आई मे बी अ डिजीज फ्री पर्सन नाउ, बट यू नेवर नो कि मेरे अगल बगल जो चीजें हैं वो किस तरह से मेरे हेल्थ को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर लोगों को क्या अच्छा खाना ना मिले, प्रॉपर खाना ना मिले, तो मैल न्यूट्रिशन हो सकते हैं। और अगर उन्हें अच्छी कंडीशन, लिविंग हेल्दी लिविंग कंडीशंस ना मिले, अब अगर आपने धारावी का नाम सुना होगा, झुग्गी वाला एरिया है वो मुंबई में, ठीक है, वहाँ से बहुत ही फेमस रैपर्स भी निकल के आ रहे हैं आजकल, वहाँ का लोकल टैलेंट बहुत अच्छा है। बट अगर आप वहाँ के लिविंग कंडीशंस देखें तो वो काफी ज्यादा पैथेटिक है। वहाँ पे जो सीवेज है वो ओपन में है, वहीं पे लोग रह रहे हैं, वहीं पे उनका इतने छोटे से एरिया में रह रहे हैं, देन वहीं पे खाना बनाना, वहीं पे खाना, वहीं पे रहना, एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड सो पैथेटिक, और इतनी अनहाइजीनिक सिचुएशंस में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, कि वो भी उनके हेल्थ पे डेफिनेटली अफेक्ट करेगा इन द लॉन्गर पीरियड। ऑल ऑफ अस लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, इट इजंट हेल्दी टू बी डल, इन एक्टिव, एंशियस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। We all need to be with mental strain. All of these various aspects of our life are part of health. तो हमने पढ़ लिया कि अब क्या-क्या वो aspects हैं जो हमारे life में जो part of हमारी health consider होंगे, ठीक है? कि आपको active रहना है, do not be all lazy the entire day, that you're not working, you're lying on your bed, you're having something that is not healthy. तो ये सारी चीजों को आपको नहीं करना है। अब हम देखते हैं health केयर इन इंडिया। अब हम हेल्थ को ना सिविक्स के नजरिए से देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से देखेंगे, एक डेमोक्रेसी के नजरिए से देखेंगे कि हेल्थ क्या होती है। तो आगे चलते हैं चैप्टर के साथ। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट एंड द सेकेंड कॉलम्स। अब आपके पहले कॉलम में क्या है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड and is among the largest producers of doctors. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात शेयर करती हूँ आपसे, इट मे इंटरेस्ट यू। यहाँ पे मैं एक टर्म टाइप करूँगी और आप लोगों को मुझे ये टर्म देख के सोचना है दैट आर यू पीपल अवेयर ऑफ दिस टर्म और यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टर्म। ये है वो टर्म, ठीक है, अगर ये आपको दिख रहा हो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने सही से, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो ब्रेन ड्रेन। तो अब आप सोचेंगे कि मैम ब्रेन ड्रेन क्या होता है, अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, बट वैसे ब्रेन ड्रेन क्या होता है, इंडिया ना बहुत ही मेजर लेवल पे ब्रेन ड्रेन एक्सपीरियंस कर रहा है। लोग हमारे यहाँ से ही पढ़ते हैं, ठीक है, दे विल गेट एजुकेटेड इन इंडिया, दे विल हैव देयर प्रॉपर रेजिडेंस इन इंडिया, दे आर इंडियन सिटीजंस, बट वंस दे एजुकेटेड दे वुड लीव इंडिया एंड दे वुड गेट सेटल्ड इनटू सम रियली यू नो डेवलप्ड नेशन, लेट्स से यूएसए और इट्स यूके और जर्मनी, लेट्स कंसिडर इट, एंड देन वो वहाँ पे जाके अपनी सर्विस देते हैं। तो इससे क्या होता है, इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो हमारे टॉप लेवल इंजीनियर्स हैं, जो हमारे टॉप लेवल डॉक्टर्स हैं, वो इंडिया के हैं, बट देन वो सर्विस कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने, यूएसए में, नासा में आज भी मेजॉरिटी साइंटिस्ट इंडियन हैं। वी आर दैट शार्प व्हेन इट कम्स टू आवर ब्रेन्स।
आज भी यूएसए के मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई होल हार्टेडली कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो इंडियन डॉक्टर्स हैं। हमारे आईआईटीएंस अमेरिका की मेजर टेक कंपनीज के सीईओज हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन है वो, क्योंकि नाम आप लोग मुझसे बेटर जानते होंगे। बट देन इंडिया आज भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं कहीं मेजर मेडिकल चीजें क्यों लैक कर रहा है? रीजन है क्या? रीजन है उसका लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। खैर, ये तो मैंने आपको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात बता दी। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर चैप्टर। तो क्या कह रहा है हमारा चैप्टर कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर के। 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। सब मतलब इट इज अ ह्यूज थिंग कि हमारे इतनी मुश्किल जो पढ़ाई होती है एमबीबीएस की, जो हम लोग कंसिडर करते हैं, इंडिया में हर साल 30,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई करते हैं। इट इज डेफिनेटली अ बिग डील, राइट? अब देखते हैं उसके कॉन्ट्रेरी में क्या लिखा है। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। ट्रू। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर, विच इज़ वेरी ट्रू। अगर आप कभी अपने गाँव गए हो तो आपने वहाँ के लोगों से अगर पता किया हो तो दूर पे जाके आपको एक सरकारी अस्पताल मिलेगा। वो सरकारी अस्पताल में भी ढंग की मशीनरी है कि नहीं, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं, एक प्रॉपर केमिस्ट शॉप है कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, अगर कोई बहुत सीरियस हो जाए ना तो सबको लेके BHU ही दौड़ना पड़ता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ के आसपास में जो वहाँ के आसपास के एरियाज हैं वहाँ पे कोई भी इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो BHU भागो, और BHU जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ से कम 3-4 घंटे हैं। तो इफ़ somebody इज गेटिंग एन हार्ट अटैक, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैमिली और फॉर द लोकल डॉक्टर्स टू सेव दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वो जाके अपने शहर में बड़े बड़े क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का हिस्सा बन जाते हैं। अर्बन जो रूरल इंडिया में लोग रहते हैं वो आज भी हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज से डिप्राइव्ड हैं। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विल रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में डॉक्टर्स, वही जो मैंने आपको बोला, 4-5 गांव का एक सरकारी अस्पताल, और सरकारी अस्पताल की हालत कैसी है वो शायद मुझे आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है देन डू विजिट अ रैंडम सरकारी हॉस्पिटल इन नियर बाय अ विलेज, और वहाँ जाते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या हालत है। दो अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते सरकारी अस्पतालों में, बट स्टिल सरकारी अस्पताल को जो चाहिए, जो रूरल पॉपुलेशन के जो डिमांड्स हैं, वो आज भी मेडिकल एस्पेक्ट से पूरी नहीं हो पा रही। दूसरा ब्लॉक देखते हैं हम। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द इयर्स। इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और 2017 तक कितने हो गए हैं आपके 23,583 हॉस्पिटल्स, विच श्योरली इंडिकेट्स कि ग्रोथ तो हो रही है। बट About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. Malaria के साथ साथ आपने डेंगू के भी बहुत सारे केसेस सुने होंगे। डेंगू से भी लोगों एकदम मैसिव एकदम रैपिड रेट बढ़ता है डेंगू का, और कितनी डेंगू की वजह से डेथ्स हो जाती हैं वो हमारे सरकारी रिकॉर्ड्स बताते ही हैं हमें। आज भी 5 लाख रोग हर साल ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं। 2 मिलियन पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ मलेरिया। तो ये सारी चीज़ें इतने हमारे मेडिकल लेवल पे ग्रोथ के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद तो खैर काफ़ी ही ग्रोथ आ गई है, आज भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें हमारा फॉल्टी मेडिकल केयर पता चल रहा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग डॉक्टर्स जो बहुत हार्ड वर्क करके वहाँ पे पहुँच रहे हैं, बट देन डॉक्टर्स की भी क्या गलती है? अगर उन्हें वो सुविधाएं, वो मशीनरी, वो पर्टिकुलर चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी तो एक डॉक्टर कितना ही अपनी तरफ से ट्राई कर लेगा एक मरीज को बचाने के लिए।
तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और रूरल एरियाज़ के लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो तब भी शहर में रहते हैं, वी हैव एक्सेस टू दीज वेरी गुड हॉस्पिटल्स विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, बट देन अगर आप किसी रूरल एरिया के इंसान से पता करें तो ना तो वो अफोर्ड कर पाते हैं और ना ही उनके सरकारी अस्पताल इतने अच्छे होते हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा ब्लॉक क्या कह रहा है। इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्री, दे कम फ्रॉम ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर्ड विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट एक्सपीरियंस करता है, जो लोग बाहर के देशों से आते हैं इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करवाने। ऑब्वियसली हम इतने भी पिछड़े हुए नहीं हैं कि हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते, वी हैव ग्रेट हॉस्पिटल्स हमारे मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, वी हैव गुड हॉस्पिटल्स जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, इसीलिए लोग बाहर से आते हैं। बट देन इधर हम कॉन्ट्ररी जो हमें इसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहाँ क्या लिखा है, we are not able to provide clean drinking water to 25% of all we are not able to provide clean drinking water to all, theek hai, 25% of all communicable diseases are waterborne। अब एक तरफ तो हमारे यहाँ दुनिया से लोग आ रहे हैं अपना इलाज कराने, और एक तरफ हम 25% जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो कि वाटरबॉर्न हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। अब इधर वाले आपका ये देखते हैं हम टेबल, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है और उतने ही स्तर पर मेडिसिन इम्पोर्ट भी कर रहा है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिकेट फूड टू ईट एंड आर undernourished या फिर malnourished कह सकते हैं। तो यहाँ पे ना बेसिकली इस टेबल में हमें क्या पता चलता है, इस टेबल में हमें दो डिफरेंट इंडियाज के बारे में बता रखा है। एक इंडिया वो है जो मेडिकली एक्सट्रीमली ग्रो कर रहा है, और एक इंडिया वो है जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज जो होती हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। आगे देखते हैं हम, In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that can provide the required care and services that patients need. ठीक है? In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors and other professionals who can advise, diagnose and treat illness. We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें एक बेसिक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए चाहिए ही चाहिए, दे आर मैंडेटरी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे सरकारी अस्पताल जिसके बारे में अभी मैं आपको ऊपर बताई थी। देखिए, पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक दिस वन। अब इसमें आपको क्या लगता है, अगर कोई इमरजेंसी में इंसान आ जाए जिसको हार्ट अटैक आ रहा हो तो वो बच पाएगा? जिस तरह का यहाँ पे क्यू दिख रहा है आपको, वो इंसान तो लाइन में ही खड़ा रह जाएगा, और लाइन में ही खड़े खड़े भगवान जी के पास खुदा ना खास्ता जाना पड़ जाए। दैट्स हाउ पैथेटिक रूरल एरिया एंड इट्स हेल्थ केयर सिस्टम इज, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। इंडिया के पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। कंट्री ऑल्सो हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। इट हैज एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। ठीक है, हमारे पास एबिलिटी तो है कि हम हेल्थ केयर देख पाए जो बहुत ही ऐसे विलेजेस में एकदम आपके क्या है, स्कैटर्ड हैं। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। मोरएवर There has been a phenomenal advancement in medicine sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री deprived है। मेरे कहने का क्या मतलब था कि हमारी कंट्री का सिर्फ और सिर्फ जो रूरल एरिया है ना वो ज़्यादा deprived है। अब obviously अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि इंडिया एक्सपीरियंस करता है लार्ज नंबर ऑफ हेल्थ टूरिस्ट, तो अगर कोई हमारे देश में इलाज करवाने आ रहा है इसका मतलब हम फैसिलिटी दे रहे हैं उनको। इंडिया अपने हार्ट कार्डियोलॉजी में, ठीक है, उसके बाद आपका
कैंसर में, इन सब के ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली एक्सेल कर रहा है. एंड व्हेन वी कंपेयर इट टू आवर इंडिपेंडेंस एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, वी हैव श्योरली ग्रोन अ लॉट, बट देन अभी भी काफी काम बाकी है. और स्पेशली कहां पे मैं क्यों बार-बार बोल रही हूं, रूरल एरियाज. However, the second column point is how poor the health situation in our country is. भाई जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि वो जो दोनों columns थी, ये वाली पूरी contradictory column थी, which shows the true face. With all above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. This is the paradox. ठीक है? Sometimes that is contrary to what we would expect. ठीक है? ये हमारा पैराडॉक्स ही उसी के कॉन्ट्ररी है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या एक्चुअली में आपका हो रहा है. ओके, अ कंट्री हैज मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू इट. हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है. हम इतने सारे डॉक्टर्स हर साल दे रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिर्फ एक प्रॉपर पॉलिसी बना के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की. ठीक है, we have all that we need. What we lack is the proper planning. तो ये तो हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया. ठीक है, अब जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हेल्थ क्या होती है बेसिकली, एंड देन इंडिया में क्या हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू वॉच द अपकमिंग पार्ट्स ऑफ दिस एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल.